गौतम बुद्ध नगर की थाना दादरी पुलिस द्वारा हिस्ट्रीसीटर अभियुक्त दुर्वासा गिरफ्तार हुआ है। कब्जे से उसके अवैध हथियार भी बरामद हुआ। नोएडा के सुपरटेक एमराल्ड केस की जांच कर रही एसआईटी ने 26 अधिकारियों को दोषी पाया है। 24 के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर विजिलेंस जांच कराई जाएगी, जबकि 2 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें पहली बार नोएडा प्राधिकरण के पूर्व चेयरमैन व सीईओ मोहिंदर सिंह और पूर्व सीईओ कैप्टन एसके द्विवेदी भी शामिल है। सुपरटेक ग्रुप के चेयरमैन समेत 4 निदेशकों को भी जाँच में दोषी पाया गया है। नोएडा से दिल्ली जाने वाले मार्ग पर लगा 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम। नोएडा पुलिस ने डीएनडी पर लगाई बैरिकेटिंग लगाने की वजह से भीषण जाम लग गया। भारी पुलिस बल डीएनडी पर तैनात है। दिल्ली से नोएडा जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए लगाई गई बैरिकेटिंग, वीवीआईपी मूवमेंट के चलते लगाई गई फोर्स। लखीमपुर खीरी में किसानों की मौत के बाद विरोध प्रदर्शन को देखते हुए गाजियाबाद दिल्ली हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। दिल्ली की तरफ से आने वाले ट्रैफिक मूवमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस के एक संयुक्त सीपी पर अवैध उगाही का आरोप लगा है। मामले में दिल्ली पुलिस आयुक्त की ओर से विजिलेंस जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने नोएडा के सेक्टर 19 स्थित सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और आरोपियों को सजा देने की मांग की गई। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार ने बनाया 10 सूत्रीय प्लान। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा 15 सितंबर से अभी तक दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति ठीक है। केंद्र सरकार को हमने कई बार कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया, तो अब पास के राज्यों में किसानों को अब पराली जलानी पड़ेगी, जिससे कुछ दिनों में हम दिल्ली में प्रदूषण होते देखेंगे। नई दिल्ली में लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर सिंधु बॉर्डर पर किसानों को श्रद्धांजलि दी। विरोध में एक शांति मार्च निकाला। किसानों ने काले झंडे और हाथों पर काली पट्टी बांधकर इस रैली में भाग लिया। गाजियाबाद की थाना विजयनगर पुलिस द्वारा सातिर वाहन चोरों को मैं चोरी की 5 मोटरसाइकिल व 2 फर्जी नंबर प्लेट के साथ गिरफ्तार किया गया। भोजपुर पुलिस ने लूट स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। लोनी बॉर्डर पुलिस ने 4 सातिर वाहन व मोबाइल चोर गिरफ्तार किया है। कब्जे से दिल्ली क्षेत्र से चोरी की गई 1 मोटरसाइकिल व 1 स्कूटी व 1 मोबाइल फोन बरामद किया है। इसके बाद शाहिदाबाद पुलिस टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय गांजा तस्कर अपने साथी सहित गिरफ्तार हुआ है। उसके कब्जे से 5 किलोग्राम अवैध गांजा व 1 स्विफ्ट कार बरामद हुई है। लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में दिल्ली के चाणकपुरी में यूपी भवन पर कांग्रेस और वामपंथी संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज